Me know she pleased with this eyes. Come in around to meet them girl, I roll out them eyes. Go down there, why not go down there? हेलो। हाँ बोलिए मैम। सर तिथि मेडिटेशन तो कर रही है वो yes, हम क्वेश्चन ये था कि मेडिटेशन हाँ. से साइड इफेक्ट होता है ऐसा कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है मेडिटेशन नहीं से. मुझे मैं एक एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं ना एस्ट्रोलॉजर उसको उससे मिली थी तो वो बोल रहे थे कि आप मेडिटेशन मत करवाओ अफर्मेशन मत करवाओ क्योंकि बच्चा छोटा है तो उसके तो सेवन चक्र वैसे चलते तो एक्टिव ही होते तो आप उसको ज्यादा बढ़ाओगे तो वो हाइपर हो जाएगा तो मैं टेंशन में आ गई मेरे को तिथि तो ऑलरेडी इतनी हाइपर है इतनी गुस्से वाली है तो मुझे टेंशन है कि मैंने दो बार आपको फोन भी किया लेकिन बाय चांस बात नहीं हुई तो मैंने सोचा चला अभी ओके मैं सभी को ये चीजें क्लियर करूं ओके मेडिटेशन से कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है क्यों पता है और क्या है सबसे पहला ये चीजें जो है मैं आपको थोड़ा सा क्लियरिटी में बोल दूं मेडिटेशन करना यानी हम बचपन से और ये नेचुरल प्रोसेस है उदाहरण के लिए हम जब मम्मी के पेट में थे उस समय हम मेडिटेशन की अवस्था में थे 9 महीने है ना तो जब हम बच्चे थे इस दुनिया से आने से पहले तो मम्मी के पेट में आंखें बंद थी तो हमारे शरीर को चलाने वाला हमारे शरीर के अंदर जो भी एनर्जी है उसको डालने वाला यानी सभी प्रोसेस जो है कोई तो भी चला रहा था और ये चलाने की जो प्रोसेस थी तो सभी चीजें बैलेंस थी और वो बैलेंस इसीलिए थी मैं आपको म्यूट करूंगा बीच में आवाज फिर बाद में अनम्यूट करूंगा बीच में बताऊं कि अब जब ये बैलेंस था मम्मी के पेट में हम जब मम्मी के पेट में थे उस समय पे पूरी सिस्टम हमारी अच्छी थी बैलेंस थी क्योंकि एनर्जी कंट्रोल कर रही थी ओके अभी सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे जरूरी बात यहाँ पे ये सुनिएगा कि एनर्जी ही है हमारे जीवन को चलाती है ये चक्रा ये बॉडी में वो पूरा सिस्टम एनर्जी क्या है और कैसे काम करता है उसके लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा स्पिरिचुअल रियलिटी जो हमने डे टू में आपको बताया था ना डे टू का वीडियो उसका पूरा देखो पूरा और समझो एक बार ना देखो दो बार ना देखो उसको काफी बार देखो और समझो कि एनर्जी जिसने पाई है एनर्जी आई है वो पावरफुल हुआ है ज्यादा आप बोलते हो ना हाइपर तो यहाँ पे मैं हाइपर शब्द का इस्तेमाल करूं बच्चे हाइपर होना एक अच्छी बात है लेकिन उसको डायरेक्शन देना दिशा देना ये वो भी जरूरी है हाइपर होना जिस तरह से मैं कहूँ कि छोटे बच्चे जो होते हैं ना बहुत हाइपर होते हैं छोटे बच्चे 8 साल तक बहुत उनका माइंड इतना तेज होता है एक जगह पे बैठते नहीं है यहाँ पे वो हाइपरनेस जरूरी है और आपको अगर मैं बता दूं हाइपर होना जो बच्चे हाइपर है ना उनके अंदर क्रिएटिविटी ज्यादा होती है क्योंकि हाइपर होने के लिए भी कुछ काम करना चाहिए ना कुछ दिमाग दौड़ाना चाहिए कुछ अलग करना चाहिए लेकिन उस क्रिएटिविटी को दिशा देना जरूरी है उदाहरण के लिए एक चीज नोटिस किया था ये थोड़ा सा डीप सब्जेक्ट है साइकोलॉजी का कि 2014 में सॉरी 12 में 12 या 14 में 2004 में चाहे 4 से लेके 14 तक हाँ एक स्टडी हुआ था क्रिकेट के ऊपर क्रिकेट की मैं बात कर रहा हूं तो ये काफी पुरानी बात है 2004 से लेके 14 तक हमारे इंडियन क्रिकेट टीम को कुछ ट्रेनिंग्स दिए थे माइंड पावर के ऊपर ओके अगर आपको शायद ये पता होगा चीज लेकिन ये चीजें जब अंडरस्टैंड हो गई सबकॉन्शियस माइंड कैसे काम करता है हमारे सबकॉन्शियस के बारे में लोगों को समझ में लगा हमारा माइंड कितना पावरफुल है तो एक चीज उन्होंने ऐड की थी इंडियन क्रिकेट टीम में और वो थी माय डिफेंस कि बच्चे जो हाइपरनेस होते हैं उस समय पे बच्चे का माइंड ज्यादा काम करता है और ज्यादा एनर्जी सीक्रेट करता है और ये चीजें हमारे इंडियन क्रिकेट टीम में या फिर अलग अलग जो क्रिकेटर के कोचेस थे माइंड पावर के उनको ट्रेनिंग दिया गया
कि आप मैच खेलते समय, क्रिकेट खेलते समय अगर ज्यादा आप स्कोर करना चाहते हो, बड़ा स्कोर बनाना चाहते हो, तो जितना ज्यादा आप हाइपर हो जाओगे, हाइपर मतलब जितना आप चिल्लाओगे, जितना आप क्रेज करोगे, जितना यानी पूरी एनर्जी ताकत लगाओगे, बॉडी को उछालोगे, तो आपका माइंड जो है नेक्स्ट लेवल पे जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, अगर आपने नोटिस किया होगा तो पहले के जमाने में क्रिकेट खेला जाता था, ध्यान से सुनो, इंपॉर्टेंट है। हम कहते हैं बच्चा हाइपर है, हाइपर है, लेकिन हाइपरनेस कितनी जरूरी है वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको चैनलाइज करना आना चाहिए। अभी ध्यान से सुनो, फिर बाद में मैं वो मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरह से वो काम करता है, हेल्प करता है दिशा देने के लिए। अभी ध्यान से सुनो, हाइपरनेस बहुत जरूरी है। पता है क्यों? मेरे गुरु ने कहा था हाइपरनेस कृष्ण में था, हाइपरनेस कृष्ण में था, और इसीलिए उनकी मम्मी ज्यादा परेशान थी। तो अगर आप अपने बच्चों को कृष्ण बनाना चाहते हो तो उसको शांत बैठो, चुप बैठो, क्यों कह रहा रहे हो, उसको कृष्ण बनने से क्यों रोक रहे हो? क्योंकि कृष्ण ने जो काम किए है बड़े होके, यानी उन्होंने महान कार्य किए हैं, वो बचपन में बहुत ही हाइपर थे। सो अभी सुनिएगा, इस हाइपरनेस को इंडियन क्रिकेट टीम में जब लाए थे तो बदलाव दिखा था। उदाहरण दे रहा हूं, 1990s का क्रिकेट अगर आप देखोगे, जब 1980s में बोलू मैं, 80s में, 90s में या 2000 साल में, तो उस समय पे 50 ओवर का मैच होता था, 50 ओवर का। अगर आप अगर पिछले मैच और पुराने मैचेस में देखोगे ना, 50 ओवर में जो 1980s में रन बन जाते थे वो थे 150 रन बन जाते थे, 150। 1990s में 200 रन बन जाते, 2000 साल आया, उस समय पे 200 रन या 220, 230 जाना डिफिकल्ट था, लेकिन 2004 आया था, उस समय पे यानी एक ऐसी टीम थी, अगर उस समय पे अगर आपने क्रिकेट देखा होगा तो, जो क्रिकेट जिनको अच्छा लगता है उनको ये चीजें पता है कि 2004 में एक टीम था जिसने रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर किए थे, और वो रिकॉर्ड ब्रेक स्कोर कितने थे बताएं, 50 ओवर में वो 300 के पार वो अपने स्कोर को लेके जाते थे। कोई बताएगा उस टीम का नाम? उस समय पे, उस जमाने में, 2004 में, 2003 में ऐसे कहा जाता था, इस टीम के बैट में स्प्रिंग लगा है, एक देश था वो। अगर किसी के दिमाग में वो नाम आ रहा है या फिर पता होगा, 2003-04 की बात है, मैं जब छोटा था, 8वीं-9वीं कक्षा में था, और जब मैं क्रिकेट देखता था तो वो एक चीज वायरल हुई थी कि इनकी बैट में स्प्रिंग है, ऐसा चेक करो, क्योंकि ये क्रिकेट में इतने स्कोर और इतने हाई स्कोर लगाते थे। बता सकते कौन वो टीम था? अभी काफी पुरानी बात है, सो अगर पता होगा, और वो टीम था माय रेफरेंस ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया उसने दो बार लगातार वर्ल्ड कप जीता था, ओके। और ऑस्ट्रेलिया ऐसी टीम थी, और जब दुनिया ने देखा कि ये टीम 300 से ज्यादा स्कोर कर रही है, इसके अंदर इन्होंने ऐसा क्या खाया, क्या है इनके अंदर, और जब चेक किया हमारे फैंस, उन्होंने उन टीम्स को साइकोलॉजी और माइंड पावर चीजें सिखाई थी, एंड दैट माइंड पावर के टेक्निक्स सभी यानी क्रिकेट में वो इस्तेमाल किया। पहले के जमाने में क्या होता था पता है, कोई आउट होता था ना, जैसे बॉल डालता था, कोई आउट होता था तो ऐसे क्लैप बजाते थे, कोई अगर सिक्स मारा तो फिर क्लैप बजाते थे। लेकिन आज क्या होता है ना, कोई आउट भी हो गया, सभी लोग टीम इकट्ठा आते हैं, चिल्लाते हैं, भागते हैं, कोई सिक्स मारा तो पूरा ग्राउंड चिल्लाता है, वो खिलाड़ी भी यानी बैट ऐसे दिखाता है, या फिर बहुत खुश हो जाते हैं, मोटिवेट करते हैं, हाइपरनेस बॉडी में लाते हैं, क्योंकि बॉडी में जितना हाइपरनेस होगा उतना माइंड क्रिएटिव और शार्पन होगा, माइंड का और बॉडी का रिलेशन है। लेकिन इसको दिशा देना जरूरी है, दिशा देना। अभी अभी तो देखो, अभी 2020 भी होता है, लेकिन उस 2020s में वो क्रिकेटर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि इतनी एनर्जी लाते कहां से, क्योंकि उनको ट्रेनिंग में ऐसे दिया जाता है। अभी 20वां ओवर चालू है या 19वां ओवर चालू है और हारने की कतार पे है, कोई टीम कोई हारने वाला है, लेकिन बीच में कोई खिलाड़ी आउट होता है तो सभी चिल्लाते हैं, सभी वो क्रेज करते हैं, फिर से वो जश्न मनाते हैं, क्योंकि उनके
कोच ने, उनके मेंटर ने कहा है कि आपको चिल्लाना है, हाइपरनेस क्रिएट करना है। सो अक्षय कुमार, नाम पता है आपको अक्षय कुमार, वो इतने फिल्में बनाते हैं साल में कि उनके जैसे फिल्म अभी कोई एक्टर नहीं बनाता। एक फिल्म बन गई लेकिन दूसरी रेडी है, क्योंकि उनकी एनर्जी, उनकी हाइपरनेस देखोगे तो आज भी वो यानी इतने, उनका एज है शायद 55 या कुछ तो भी है, 54-55, लेकिन इस एज में उनकी एनर्जी लेवल देखोगे तो कितनी अमेजिंग है, बढ़िया है। हाइपरनेस हर एक स्पोर्ट्समैन, हर एक चैंपियन को चाहिए, और वो देना पेरेंट्स, मैं हमेशा कहता हूँ माँ, वो पहले क्लास में कहा था बच्चा इतना हाइपर था लेकिन स्कूल गया, टीचर के दी शट अप, चुपचाप बैठो शांति से सुनो, और बाद में वो चुपचाप बैठते हैं शांति से सुनते हैं, फिर वो जिंदगी में जो भी बड़े चीजें करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते। लेकिन अभी देखो, अभी मैम आपने कहा था अफर्मेशन, वो भी बात बताता हूँ। अगर बच्चे अफर्मेशन बोलेंगे, सुनिए यहाँ पे अफर्मेशन क्या है, पता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मुझे मेडिटेशन करना अच्छा लगता है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ी है, मैं एक बार पढ़ता हूँ तो याद होता है, पढ़ाई करना मुझे बहुत अच्छा लगता है। माय डिफेंस, मैं आपको चीज बता दूं, माइंड और इसके अंदर जो भी है ना वो बाहर घटित होता है, पहले यहाँ पे घटित होता है, सबसे पहले यहाँ पे अंदर चीजें घटित होती है। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, कोई इंसान को बिल्डिंग भी बनानी है तो पहले यहाँ पे बनानी होती है, तब जाके बाहर की दुनिया में बनती है। अगर बच्चा बोलता है कि मेरा मैथ्स मुझे अच्छा नहीं लगता, मुझे पढ़ाई करना बोरिंग लगता है, और उसके अंदर जो प्रोग्रामिंग है ना कि नकारात्मक गलत, तो मुझे बताइए बाहर जो नतीजे आने वाले वो कैसे रहेंगे, गलत रहेंगे। ऐसा कहा जाता है कि मंत्र कहने से, मंत्र का जाप करने से वो सिद्ध हो जाता है ना, या फिर हम कहते हैं कि जब राम नाम जपाते हैं, माला जपने के लिए हमारी संस्कृत ने कहा है, या फिर नाम लेने के लिए कहा है, और ये हर एक धर्म में है। ओके, यानी जब मैं हमारे मुस्लिम भाई है वो जब कहते हैं उनके हर एक शब्द में वो थैंक यू की जगह इंशा अल्लाह कहते हैं कि अल्लाह की वजह से, अल्लाह की वजह से, और एक इसमें वो बोलते हैं, वो अफर्मेशन है, वो एक सजेशन है, वो एक वाक्य है, वो थैंक यू हो सकता है या फिर उनकी वजह से हुआ है। तो ये अफर्मेशन बोलना एक मंत्र से, बार बार बोलने से वो सिद्ध हो जाता है। और ये मंत्र हम बच्चों को बुलवा रहे हैं, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरा माइंड पावर इंक्रीज हो रहा है, तो एक सोचने वाली बात है कि जो बाकी के बच्चे नहीं कर रहे हैं, जो आपके बच्चे कर रहे हैं वो कितना इंपॉर्टेंट है, जबरदस्त है। तो अफर्मेशन बोलना इंपॉर्टेंट है, जरूरी है। बड़े बड़े एक्चुअल, बड़े बड़े, अगर आपने अभी रणवीर कपूर, सॉरी रणवीर सिंह कपूर, में हमेशा कंफ्यूज हो जाता हूँ, बाजीराव मस्तानी वाले, ओके गली बॉय उनका मूवी था, तो रणवीर सिंह है या रणवीर सिंह शायद। सो उन्होंने अभी, उनको जो है ना, एक दो महीने पहले, मैंने अभी मीटिंग में भी कहा था ये, एक दो महीने पहले उनका मैंने एक वीडियो देखा, मेरे मोबाइल पे, इंस्टाग्राम पे आया था शायद, तो वहां पे वो बता रहे थे कि मैं इस साल जो बेस्ट एक्टर का खिताब मुझे मिला है, वो रोए थे, और उन्होंने कहा था कि ये चीजें पॉसिबल हुई है ड्यू टू अफर्मेशन एंड विजुअलाइजेशन, कल्पना से। मैंने हमेशा कल्पना की है, मैंने हमेशा सोचा था कि मैं बेस्ट एक्टर रहूंगा, सो उस वजह से मैंने यहाँ मुकाम हासिल किया है, तो रोने लगे थे। माय फ्रेंड्स, मैं भी कहता हूं कि अफर्मेशन ही है जो हमारी जिंदगी को बहुत अच्छे से बनाता है। ओके, सो अभी तीसरा जो पॉइंट मैम था वो है मेडिटेशन का। अभी देखो चक्रास डेंजर होते हैं, चक्रास में यहाँ वहां नीचे के ऊपर कैसे है क्या है, तो इसके बारे में मैं आपको सीधी सी बात बोलूं, ये चक्राज कुछ भी नहीं है। जितना आप इसके बारे में सोचोगे और बात पढ़ोगे उतना आप कंफ्यूज हो जाओगे। अभी मैं सिंपल भाषा में बोलूं, चक्राज हमारे एनर्जी के अंदर लेने के दरवाजे हैं। उदाहरण के लिए एनर्जी अंदर जाएगी और एनर्जी से हमारा बॉडी काम करेगा। अभी ध्यान से सुनो, इसमें थोड़ा सा एक बढ़ोतरी है जो इससे लोग घबराते हैं और डरते हैं, और वो क्या है,
वो है हमारे डिफरेंस कि एनर्जी अगर हम लेते हैं नेचुरली, जो नींद में आती है वो 10% है, और जो बच्चे यहाँ पे ले रहे हैं ना वो थोड़ा सा अप लेवल पे है, ज्यादा है। उदाहरण के तौर पे इसको अगर समझना है तो बहुत मेरे पास बढ़िया उदाहरण है, और वो है हमारे फ्रेंड्स, कोई जिम गया है, जिम दिखा है, जिम जिम में लोग जाते हैं बॉडी मसल्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, यस और नो, दिखा है। अभी देखो आप लोग डरते क्यों है और उनको क्या लगता है, और अभी आपकी सोच बदल जाएगी ये उदाहरण से। जिम जाने के बाद आपकी बॉडी, आपके मसल्स ऐसे बनेंगे ना जैसे खली जैसे है, खली पता है आपको, खली द रॉक, ओके, WWF वाले खिलाड़ी, जब आप उनको देखोगे ना ऐसे मुंह में हाथ डालोगे, अरे इंसान की बॉडी इतनी बन सकती है, इतनी खली जैसी, और ये खली है क्या, क्या है तो ना बड़ा इतना शक्तिशाली। उनको देखने के बाद डर लगता है, ओके, अब ये डर लगना स्वाभाविक है, ऐसे बनेंगे तो वैसे ही कुछ मिसकंसेप्ट्स हैं कि मेडिटेशन करने के बाद वो लेवल आ चुकी है मेडिटेशन से कि उसकी हद नहीं है। उदाहरण के लिए मैंने देखा है, मैंने अनुभव लिया है, और मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है वो मेडिटेशन के विद्या से मेडिटेशन करके उन्होंने अपने शरीर को मन को इतने पावरफुल बनाया है, जैसे कि कोई ऐसे कहा जाता है कि सालों सालों तक बिना अन्न पानी के लोग जीते हैं, या फिर आग में चलते हैं, या फिर उनका मेडिटेशन का अनुभव ऐसा है कि पानी में चलना या पानी में सोना उनके लिए पॉसिबल है। ओके, मेडिटेशन की तप से, मेडिटेशन की एनर्जी से उन्होंने अपने आप को इतना कुछ बॉडी में या शक्तिशाली हो गए हैं, चक्रास इतने बैलेंस हो गए कि वो यानी भूत भविष्य सब कुछ वो समझ लेते हैं, बोलते हैं ऐसा कुछ। लेकिन अभी यहाँ पे एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट क्या है, वो ये है, ये उन्होंने पाया है, ये उन्होंने सिद्धि पाई है कुछ मेडिटेशन के प्रोसेस से, लेकिन बहुत लंबे समय का, बहुत लंबे समय का। उदाहरण के लिए वो लोग जो इन प्रोसेस को पाए हैं, वो पाने के लिए उन्होंने जो मेडिटेशन किए हैं वो मेडिटेशन 20 मिनट का नहीं, वो मेडिटेशन 15 मिनट का नहीं, वो मेडिटेशन एक दिन का भी नहीं, वो मेडिटेशन उन्होंने 6-6 महीना बिना खाए पिए, 1-1 साल बिना खाए पिए, इतना ही नहीं कुछ कुछ ऐसे लोग हैं जो 6-6 साल 12-12 साल बिना खाए पिए मेडिटेशन कर रहे हैं। हमें इतना नहीं करना है, जिम जाना है हमें, हमें खली नहीं बनना है, हमें सिक्स पैक साब नहीं बनाने हैं, हमें बस 20 मिनट का मेडिटेशन, 20 मिनट की एक्सरसाइज करनी है। अगर मैं बताऊं, मैं जब जिम गया था ना, उन्होंने मुझे सवाल पूछा था, आप जिम क्यों करना चाहते हो? मैंने कहा मुझे वो बॉडी बिल्डर नहीं बनना है, मुझे अपने हेल्थ को अच्छा रखना है, फिट होना है, मुझे फिट रहना है। तो फिट रहने के लिए 20 मिनट काफी है। उसी प्रकार मन में जो विचार आते हैं दिन भर, उसको पॉज करना जरूरी है। जब मन में विचार आते हैं, जब हम उसको पॉज करते हैं, तो एनर्जी जाती है, और ये पॉज विचार से हमारा मन संतुलित होता है, डायरेक्शन में जाता है, दिशा मिलती है। नहीं तो क्या होता है आज के समय पे, मन को शांत रखना, मन को बंद रखना, वो आज के समय पे पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इतने सारे डिस्ट्रैक्शन है, टीवी मोबाइल बाहर इतना सब कुछ चल रहा है। सो मैं चाहता हूँ कि ये प्रोसेस है आपके बच्चे जो कर रहे हैं, और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैंने ये चीज जिनसे सीखी वो अपने जिंदगी के अंदर बहुत सक्सेसफुल है। 4 साल से, जब वो 4 साल के थे तब से वो मेडिटेशन करते हैं, और मैंने आज उनका जीवन देखा है, बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही पावरफुल। और जितने भी हमारे संत को, ऋषि को, महापुरुष को, उनका बैकग्राउंड चेक करोगे तो मेडिटेशन ही है, मेडिटेशन ही है, मेडिटेशन ही है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे तो, मैं पहले पहले तो ये कहता था जब ये चीजें सिखाने लगा कि अगर कोई चीज ज्यादा हो गई तो नुकसान हो सकता है, लेकिन मेडिटेशन आप जितना ज्यादा करोगे उतना आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। आपके बच्चे मेडिटेशन 15-20 मिनट करते हैं, उससे कुछ भी नुकसान नहीं है। ये चीजें आप खुद अनुभव, अपने इतने प्रोसेस सीखे है, 30 डेज तक ये जर्नी किया है, तो आपके दिमाग में ये सवाल आना ही नहीं चाहिए। और जो भी बोल रहे हैं आपको, उनको लगता है ये बच्चे जो कर रहे हैं ना वो वैसा ही है,
लगातार सुबह से लेके शाम तक, फिर शाम से लेके सुबह तक दिन रात मेडिटेशन ही कर रहे हैं, वो उसकी बात कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। ओके, बच्चों के लिए 15 मिनट बहुत हो गए, ठीक है बहुत हो गए। ऐसा अभी मैं अनम्यूट करता हूँ, क्लैरिटी आ गई थोड़ी थोड़ी? हाँ हाँ सर, यस यस। लेकिन वो थोड़ा डर गई थी मैं। ऐसा डरने वाली कोई बात नहीं है, डरो मत। ओके, क्योंकि ये नेचुरल चीजें हैं और मेडिटेशन हाँ। करना तो सभी कहते हैं, अभी स्कूलों में भी वो, अरे ऐसे यूट्यूब पे भी इतने सारे वीडियो आ जाते हैं ना। वो एक यूट्यूब पे मैंने एक वीडियो देखा था, उसमें बोले थे सब कि गर्ल्स को कभी कढ़ाई ओपन नहीं करनी चाहिए। ओके, ऐसा भी मैंने तो सुना था। बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको दोनों तरह से उलझाएंगे, ऐसे भी वीडियोस हैं हाँ। तो भगवान को नहीं मानते और ऐसे भी वीडियो जो भगवान के ऊपर बहुत ट्रस्ट करते हैं, तो किनका सुने, इनका सुने, इनका सुने। ओके, और हर किसी में ऐसा एक भी सब्जेक्ट नहीं छोड़ा है जिसके ऊपर विरोधाभासक में जैसे कहूं नहीं लिया है। ओके, जो भगवान को मानता है उनको भी गालियां मिली है, जो भगवान को नहीं मानते उनको भी बहुत गालियां मिली है, तो किन को माने हम? तो आप अगर यूट्यूब पे जाओगे तो आप दोनों भी चीजें मिलेगी, ठीक है। सो अनुभव तीती है ना, बीच में देख लेती थी एकदम पास से, पिक्चर देखती थी, रीडिंग तक आए थे, फिर थोड़ा थोड़ा छूट गया तो अभी दिख नहीं रहा। तो ये अभी फिर से मुझे सेशन करने पड़ेंगे के पैसे पहले 10 सेशन कीजिए, 10 सेशन में दिख जाएगा, ठीक है। सत्संग से स्टार्ट कर रहा हूं। हां, फिर से 10 डेज तक जाइएगा, उनको आ जाएगा 10 डेज में, 10 डेज फॉलो। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू। मेडिटेशन की पावर मम्मी पापा बच्चों को सिखाइए। इस वीडियो को पूरा देखिए। क्या आपका बच्चा पढ़ाई में कमजोर है? क्या आपका बच्चा आपकी बातें नहीं सुनता है? क्या आपका बच्चा हमेशा टीवी और मोबाइल ही देखते रहता है? आप इसका सोल्यूशन चाहते हो? इसका एकमात्र सोल्यूशन है बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन करनी है। क्या होती है थर्ड आई? थर्ड आई जिसे अज्ञा चक्र, पीनियल ग्लैंड, हॉर्स आई, डिवाइन आई, दिव्य चक्षु, बोधि नेत्र कहते हैं। हमारी बॉडी में जो 7 चक्रास है उसमें सबसे पावरफुल चक्र हमारे फ्रेंड्स थर्ड आई, और ये अगर एक्टिवेट हो गया तो बच्चे के अंदर उनकी मेमोरी है, कंसंट्रेशन है, इंट्यूशन पावर है, इमेजिनेशन है, डेवलप होती है। आपकी बच्चे की अगर थर्ड एक्टिवेशन हो जाती है तो उसकी पूरी जिंदगी बदलती है। 5 बेनिफिट्स में बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिए। पहला है, आपके बच्चों को एक आँख मिलती है, ऐसी आँख जो वाटर प्रूफ, डस्ट प्रूफ, सैंड प्रूफ, प्रूफ 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 ही प्रूफ है, और ये आँख लाइफ टाइम के लिए है। माय फ्रेंड्स, हमारी आंखों की कीमत क्या है हम जानते हैं, लेकिन आप अपने बच्चों को एक गिफ्ट दे सकते हैं, एक आंख। सेकेंड जो बड़ा बेनिफिट है, ऐसे लगता है इसी के लिए थर्ड एक्टिवेशन बच्चों को आपको करना ही चाहिए। और मैं बताऊं, बच्चों की जो इंद्रियां है यानी उनके टच सेंस है, स्मेलिंग के सेंस है, वो डेवलप होते हैं। बच्चे स्मेल करके रीडिंग करते हैं, स्मेल से पूरी की पूरी किताब पढ़ते हैं। इतना ही नहीं माय फ्रेंड्स, बच्चे 2 मिनट में पूरी की पूरी किताब पेज नंबर के साथ उनको याद रहती है। बट फ्रेंड्स, यकीन नहीं होगा, मुझे भी नहीं था, लेकिन जो बच्चों का जब ये अनुभव आप सुनते हो तो हमारे फ्रेंड्स बच्चों की लाइफ बदलाव चेंज आ जाता है। देखिए, क्या आपका बच्चा 6 मिनट में 200 पन्नों की एक पूरी किताब पढ़ सकता है? आपका बच्चा स्कैनिंग मशीन की तरह किसी भी किताब को अपने दिमाग में एक बार पढ़कर सेव कर सकता है? अगर आपका जवाब ना है तो आप गलत है। आपका बच्चा सुपर कंप्यूटर से भी तेज हो सकता है। क्या लग रहा है आपको? ये बच्चे किताब के साथ खेल रहे हैं, उससे पंखा चल रहे हैं, हवा कर रहे हैं। नहीं जनाब, ये किताब पढ़ना है। अब जरा इनसे मिलिए, आंखों पर पट्टी बांधकर ये कितने आराम से वो सब कुछ पढ़ लेते हैं। राहुल सिन्हा, डिप्यूटी एडिटर, जी न्यूज, जी मीडिया कॉर्पोरेशन लिमिटेड। और यकीन मानिए, ये सब कुछ आपका बच्चा भी कर सकता है। थर्ड जो बड़ा बेनिफिट है, मैं चाहूंगा कि हम सभी चाहते हैं कि बच्चों की स्मरण शक्ति बढ़े, उनकी पढ़ाई ऐसी हो जाए कि वो एक बार पढ़ के याद करें। ये सभी हम चाहते हैं, बच्चे पढ़ाई में होशियार हो। जब आंखें खुल के पढ़ाई करते हैं वो बहुत ही कम समय पे याद रहता है, क्योंकि हम कॉन्शियसली पढ़ाई कर रहे हैं हमारे बाह्य मन से, लेकिन हमारा अंतर्मन, सबकॉन्शियस माइंड काफ़ी पावरफुल है। आंखें बंद करके जब हम पढ़ाई करते हैं, हमारा जब थर्ड एक्टिवेशन हो जाता है, जो भी चीज़ें दिख रही है आंखें बंद करके वो विजुअल फॉर्म में है, कल्पनाओं में है, और जो भी दिख रहा है वो पूरा क्लियर दिख रहा है। अभी होता क्या है, ध्यान से सुनिए, ये किताब को आपने बंद किया और जो भी पढ़ लिया था अभी आंखें बंद करके, वो सभी का सभी दिख रहा है, आप उसको लिख सकते हो। आपने याद नहीं किया, ध्यान से सुनिए, याद नहीं करना है, वो सामने छप जाएगा। इसको 8 दिन के बाद, 1 महीने के बाद, 1 साल के बाद भी
वो आंखें बंद करके दिखने वाला है, वो एक स्कैनिंग बन जाएगी उसकी मेमोरी, उसका दिमाग। ये सुनने में तो अच्छा लग रहा है, ये सुनने में तो मज़ेदार है, मगर ये पॉसिबल है क्या? ये हो सकता है? हाँ, लेकिन विश्वास नहीं है। अरे मेरा भी नहीं था, लेकिन जब बच्चे ये चीज़ें करते हैं जिंदगी उनकी बदलती है। देखिए क्या क्या करती है वो, देखो आप लोग ऐसा कर सकते हैं। यशवी दीदी करती है ये बताओ यशवी जी, इस पे क्या लिखा हुआ है? तृष्णा संसार के सभी दुखों में से अधिक दुखदायिनी है। क्या बात है, तृष्णा संसार के सभी दुखों में से ज्यादा कष्टदायी है। 100 रुपए की नोट है, नंबर है 8KG 851993। ये लो नंबर सहित बता दिया। मुझे पहले क्षण ना तो उस पर विश्वास हुआ और ना अविश्वास, लेकिन अब देख करके इस पर भरोसा तो हो गया है। इसका पूरा साइंस जो है, जैसे हमारी बाहर की दो आंखें, ऐसे हमारी पिनियल जो ग्लैंड है वो भी आंख की तरह ही काम करता है। और पहले से जैसे अभी आप पढ़ते हो, आपकी मेमोरी में कुछ अंतर पड़ा? हाँ, मेमोरी में काफी अंतर, पर मैं पढ़ के जाऊं और अगर मुझे याद ना आ रहा हो तो मैं आंख बंद करूं तो वो मैं अपनी आंखों के सामने ला सकती हूं सारा। हाँ, वो पेज पूरा की बाद में तो इतनी प्रैक्टिस हो जाती है कि एक पेज ऐसे सामने रखा और वो पूरा स्कैन हो जाता है, जैसे मशीन में भी तो स्कैन होता है। तो मुझे लगता है इन चीजों को और बढ़ाया जाए तो बहुत दूर तक हम लोग जा सकते हैं। फोर्थ जो बड़ा बेनिफिट है, इसके लिए तो करना ही है। आपके बच्चे डरते हैं, आपके बच्चे का अगर आप कोई नया स्किल बढ़ाना चाहते हो, उसका कॉन्फिडेंस इंक्रीज करना चाहते हो, तो थर्ड एक्टिवेशन बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है। आपके बच्चे अगर आंखें बंद करके देखते हैं तो वो जो टैलेंट है, उन्होंने जो भी स्किल अचीव किया है, तो आप दुनिया के सामने दिखा सकते हो कि मेरा बच्चा कुछ अलग है। जैसे कोई स्कूल के प्रोग्राम है या एनुअल फंक्शन है, या आपके बच्चे कोई मेहमान घर पे आते हैं तो वो आंखें बंद करके दिखाएगा, या टीवी मीडियाज में आप उनको भेज सकते हैं, या फिर कई सारे अवार्ड्स होते हैं जैसे कि गिनीज बुक अवार्ड है या लिम्का बुक अवार्ड है, तो उधर भी वो जा सकते हैं। हमारे काफ़ी सारे स्टूडेंट इंडियाज़ गॉट टैलेंट गिनीज बुक में गए हैं, टीवी प्रोग्राम्स में गए हैं, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, अपने आप को वो अलग है, भीड़ से अलग है, ये दिखाने के लिए। माई फ्रेंड्स, आपके बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन करना ज़रूरी है। अगर आप अपने बच्चों को स्मार्टली डेवलप करना चाहते हो ना, इस वीडियो को एंड तक देखिए, जिंदगी बदलने वाली है। आंखें बंद करके जो दिखता है, इसका सीक्रेट जानना चाहते हैं, मैं आपको बताऊं ये कैसे मुमकिन है। जब हम सो जाते हैं, नींद में जो सपने आते हैं ना, हमारा कॉन्शियस माइंड सो जाता है, लेकिन जो विजुअल माइंड है उसे सबकॉन्शियस माइंड वो जागते रहता है। कोई बिल्डिंग से अगर हम जंप करें, उस हाइट को, उस डर को हम महसूस कर सकते हैं। यही चीजें होती है विजुअलाइजेशन। अभी ध्यान से सुनिए, मेडिटेशन में ध्यान करते वक्त आपका कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे होते हैं, उसे अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कहा जाता है। हमने सुना था आंखें बंद करके स्वामी विवेकानंद लॉर्ड बुद्धा, उन्होंने सत्य को जाना था, विचार शून्य की अवस्था, आंखें बंद है, सामने वाली चीजें भी दिख जाती है। सुना था बस झांसी की रानी आंखें बंद करके लड़ाई करते थे, सम्राट अशोक शस्त्र चलाते थे। यही तो सीक्रेट है, थॉटलेस अवस्था, विचार शून्य में चीजों को हम विजुअलाइज कर सकते हैं। लेकिन जो पांचवा बड़ा बेनिफिट है, ध्यान से सुनिए, आंखें बंद करके हम कोई चमत्कार, बच्चों को कोई मैजिशियन, जादू नहीं सिखाने वाले हैं। ये चीजें क्यों करनी है? दोनों माइंड, कॉन्शियस एंड सबकॉन्शियस माइंड एक जगह पे आते हैं, यानी थॉटलेस अवस्था में, ध्यान की अवस्था में, मेडिटेशन में, और ये बचपन में पॉसिबल है। अगर आपको थोड़ा बहुत माइंड पावर के बारे में पता है, द सीक्रेट, द पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड, आपको ये भी पता होगा जब हम अफर्मेशंस, पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं मेडिटेशन के अंदर, इतना चेंज आता है, बदलाव आता है, क्या कहूं मैं। आंखें बंद करके जब बच्चों को हम मेडिटेशन करवाते, एक प्रोसेस होता है, मेरी स्मरण शक्ति बढ़ रही है, मेरी राइटिंग की स्पीड बढ़ रही है, मुझे पढ़ाई करना बहुत अच्छा लग रहा है, मेरा गुस्सा कम हो गया है। ये थॉटलेस अवस्था में बच्चों को हम प्रोग्रामिंग करते हैं, बदलाव, चेंज इतना आता है ना, आपके बच्चे मेडिटेशन करने के बाद कभी गलत आदतों पर नहीं जाएंगे। कोई भी गलत आदत, कोई भी गलत चीज नहीं कर सकते, क्योंकि उनका मन कंट्रोल में है,
और इसी सदी में, इस टेक्नोलॉजी के युग में मन अगर स्थिर है तो बड़ा काम हम कर सकते हैं। ये लड़का तैयारी कर रहा है अपने ब्लाइंड फोल्ड एक्ट्स की। चलिए देखते हैं कि ये ब्लाइंड फोल्ड होकर क्या क्या करता है। वाह, हर बॉल को परफेक्टली कैच कर रहा है। जीत, इसमें से 2-2-1 नंबर पे निकालो। 2-2-1, वेरी गुड। अभी पढ़ो इसमें क्या लिखा है। यूज द apostrophe एज अ डिफॉल्ट लेवल परफेक्ट कैरेक्टर। देन रिवर्स इट व्हेन यू रीड इट। यस, द डॉलर सिंबल डिसिकेटिंग अ फील्ड नेम 3+। वेरी गुड। ये कैसे हुआ? बुक उल्टी पकड़ने के बाद भी ब्लाइंड फोल्डेड जीत ने सीधी रीडिंग की। सितंबर 2016 में एक गियरलेस स्कूटर को ले से खारडुंगला ले गया, वो भी ब्लाइंड फोल्डेड। जीत ने 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करके एक नया रिकॉर्ड बनाया। जीत मल्टीटास्किंग का भी मास्टर है। एक बार में आंखों पे पट्टी बांध के 3-3 लोगों के साथ चेस खेलता भी है और उन्हें हराता भी है। एक्सपर्ट 17 साल के जीत के डेयरिंग और ऑसम एक्ट्स वाकई OMG हैं। अपने सुपर एक्टिव ब्रेन से ये यंग इंडियन ऐसे कारनामे करता है जो हम सोच भी नहीं सकते। तो मैं बताऊं, ये प्रोग्राम आप घर बैठे कर सकते हैं, बहुत ही सिंपल है, और आप इसको बच्चों के साथ, आप खुद भी इसमें इन्वॉल्व हो सकते हैं। हमारा 30 डेज का प्रोग्राम है, इसमें हम स्टेप बाय स्टेप आपके बच्चों को और आपको सिखाते कि घर बैठे आप कैसे थर्ड एक्टिवेशन को सीख सकते हैं। यहाँ पे आपको वेबसाइट का लिंक मिलने वाला है, उसका ईमेल आईडी और पासवर्ड मिलेगा। उस वेबसाइट में डे बाय डे के वीडियोस रहेंगे, एक एक घंटे के वीडियो आपको फॉलो करने हैं, जैसे Day 1, Day 2, Day 3, ऐसे 30 वीडियोस रहने वाले हैं, स्टेप बाय स्टेप आपको जो है सिखाने वाले हैं। इस वीडियोस में हमारा पूरा ट्रेनिंग रहेगा, मतलब कि हम जो भी एक्सरसाइज करने वाले हैं, मेडिटेशंस करने वाले हैं, ब्रेन डांस, ब्रेन जिम करने वाले हैं। अमेजिंग प्रोग्राम है, पूरा एंटरटेन से भरा हुआ है, बच्चों को तो काफ़ी पसंद आता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये प्रोग्राम काफ़ी ईजी भी है, मतलब आपको हर एक चीज़ आसानी से समझने वाली है, बस बच्चों और पेरेंट्स को साथ में ये प्रोसेस करना है। और एक चीज़ मेरे फ्रेंड्स, ये जो प्रोग्राम है, ये जो किट है, मतलब ये जो वेबसाइट है, ये आपके पास हमेशा रहने वाली है, लाइफ टाइम के लिए आपके पास ये रहने वाली है, इसका एसेस जो है हमेशा आपको मिल रहा है। और मैं आपको बताऊँ, ये वीडियो जर्नी जो है, ये करते समय आपको कुछ डाउट्स है, क्वेरीज है, और आपके बच्चों के जो भी अचीवमेंट्स है वो हमें आप शेयर कर सकते हैं। यस माय फ्रेंड्स, हमारा मंडे जो है डाउट सेशन रहने वाला है, जहाँ पे जिन्होंने भी इस कोर्स को लिए है 30 डेज के प्रोग्राम में जो है, उनको हम इकट्ठा बुलाते हैं रात को 9 से 10 बजे एवरी मंडे। और मैं बता दूँ, ये जो प्रोग्राम है लाइफ टाइम के लिए है, मतलब कि ये जो वीडियो कोर्स है वो आपको 30 डेज फॉलो करना है, उसके बाद बच्चों को मेडिटेशन रहेगा 15 से 20 मिनट का, और हमारे जो मीटिंग्स है ना मंडे वाली, ये आपको हमेशा मिल रही है। तो ये जो डेवलपमेंट मैं चाहूँगा बच्चों की, वो डे बाय डे बढ़ती है और वो हमेशा रहे, इसलिए आपको लाइफ टाइम का सपोर्ट भी दे रहे हैं। अगर आज आप इंट्रोल करते हो, आप आज ये प्रोग्राम खरीदते हो, मैं चाहूँगा कि आपको और 3 प्रोग्राम जो मेरे पर्सनली मेरे काफ़ी टच है, हार्ट के करीब है, वो प्रोग्राम भी मैं आपको सिखाना चाहूँगा। तो सबसे पहला मेरे फ्रेंड्स, आपके बच्चों की अगर आप थर्ड एक्टिवेशन कर लेते हो, उसके साथ बच्चे का एक मेथड होता है स्कैनिंग, मतलब कि बच्चों की मेमोरी इनहांस करने के लिए एक एडवांस ट्रेनिंग है, और वो ट्रेनिंग आपको मैं देना चाहूँगा। बच्चों की स्मरण शक्ति, जिस तरह से आँखें बंद करके वो पढ़ लेते हैं और पूरा का पूरा वो स्कैन करें, फ्लिप करके वो किताबें पढ़ें, इसके लिए स्पेशल प्रोग्राम हमने डिज़ाइन किया है मेमोरी पावर का। तो ये प्रोग्राम 3 दिन रहेगा, इसी 30 डेज में वो आपको मैं देना चाहूँगा। ये मेमोरी प्रोग्राम करने के बाद आपके बच्चों की स्मरण शक्ति अमेजिंग हो जाएगी, पढ़ाई का जो प्रॉब्लम है ना वो ख़त्म होने वाला है। सेकेंड जो प्रोग्राम हमारे फ्रेंड्स, वो है NLP का न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्राम है। ये माइंड पावर का एक ज़बरदस्त टेक्निक है, जो बड़े लोग सीखते हैं और अपने जीवन में अपने वेल्थ को क्रिएट करते हैं, अपने हेल्थ को अच्छा रखते हैं, अपने स्वभाव में बदलाव क्रिएट करते हैं। और ये बताओ, बच्चों ने ये बचपन में ही सीख लिया तो उनको हमेशा ये लाइफ में काम आने वाला है। NLP जैसे साइंस में हम बच्चों की पॉजिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं। आपके बच्चे का राइटिंग की स्पीड, अगर वो रीडिंग करते समय अटकता है, रीडिंग की स्पीड कम है, या फिर रिमेम्बरिंग की प्रॉब्लम है, या फिर गुस्सा करना, टीवी देखना, मोबाइल खेलना, ये सभी प्रॉब्लम NLP से सॉल्व हो जाने वाली है। और ये टेक्निक मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ इसी प्रोग्राम के अंदर।
थर्ड जो अमेजिंग प्रोग्राम है, और मैं आपको बताऊँ ये आपको भी काम आने वाला है, और वो है हमारे पास रुई की हीलिंग। हम जब मेडिटेशन सीख रहे हैं, ध्यान का ये प्रोसेस है थर्ड आई का, तो उसमें बच्चों की विजुअलाइजेशन काफ़ी डेवलप होती है। अगर बच्चे कभी बीमार गिरते हैं, मतलब कि उनको खांसी हुआ, पेट में दुख रहा है, या सर्दी हुआ, या सिर में दर्द है, जो भी पेन किलर आप जब खाते हो और उस दवा लेने के बाद बच्चे ठीक हो जाते हैं या आप ठीक हो जाते हो, उसके लिए दवाई देने की ज़रूरत नहीं है। आंखें बंद करके जब हम अपने शरीर को देखते हैं तो बीमारी दिख जाती है। अगर बीमारी अगर दिख जाती है तो उसका समाधान भी होता है। माय फ्रेंड्स, रुई की हीलिंग ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है, जो बच्चों को थर्ड एक्टिवेशन होने के बाद वो ईजिली अपने आप को ठीक कर सकते हैं, आंखें बंद करके वो बीमारी को देख के उसको निकाल सकते हैं। रिकी प्रोग्राम माय फ्रेंड्स, ये चीज़ें अगर आपने बचपन में सिखाई ना तो बच्चों की हेल्थ अच्छी होने वाली है, इसलिए मैं आपके बच्चों को ये अमेजिंग गिफ्ट दे रहा हूँ। तो आपको इन चारों कोर्स को, थर्ड एक्टिवेशन, NLP, रिकी, मेमोरी पावर, ये अमेजिंग प्रोग्राम, आपको ये लाखों रुपये के प्रोग्राम मैं आपको अमेजिंग प्राइस के साथ देना चाहूँगा। और मैं बताऊँ ये ऑफ़र आज के लिए और आपके लिए हमारे फ्रेंड्स, और वो है कि ये पूरा ट्रेनिंग जो है आपको वीडियो फॉर्मेट पे मिलने वाला है, हमारा सपोर्ट रहने वाला है, और लाइफ टाइम मैं आपके बच्चों को सिखाना चाहूँगा। इसका जो प्राइस है हमारे फ्रेंड्स वो 14,000 से भी ज़्यादा है, लेकिन आज अगर आप इंजॉय करते हो तो मैं आपको ऑफर देना चाहूँगा। इसको आज आप 4999 में ले सकते हो, आपके लिए और आपके परिवार के लिए ये सिखा सकते हो। तो हमारे फ्रेंड्स, आपको आज रजिस्ट्रेशन करना है आपके बच्चों का, अभी के अभी आप हमें कॉल कर सकते हैं, ऑनलाइन पेमेंट करके ये जो किट है थर्ड एक्टिवेशन का ये घर मंगवा सकते हैं। और एक चीज़ सर, हम ये चीज़ें सिखाना चाहते हैं, हमारे बच्चों का भी थर्ड एक्टिवेशन करना चाहते हैं, मगर आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? मैं आपको बताऊँ, इतनी बड़ी आपको रिस्क लेनी है, इतना बड़ा आपको अमाउंट पे करना है, मगर मैं आपको बताऊँ आपको फंसाऊँगा नहीं, विश्वास के साथ कीजिए। ये प्रोग्राम पॉजिटिव है, ये प्रोग्राम मेडिटेशन का है, और एक चीज़ ये प्रोग्राम मैं पिछले 7 सालों से सिखा रहा हूँ, हज़ारों बच्चों को ट्रेन किया है। माय फ्रेंड्स, मैं बताऊँ मेरा यूट्यूब चैनल है जहाँ पे 1,500 से भी ज़्यादा वीडियो है, बच्चों के अनुभव है। और एक बताऊँ, ये प्रोग्राम इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड में फॉरेन कंट्रीज़ के भी स्टूडेंट ये सीख रहे हैं मेरे पास। आज मैं, मेरी पत्नी और मेरी बेटी है ये चीज़ें सिखा रही है। मैंने ये चीज़ें बचपन में नहीं सीखी, और इसी के लिए मैं चाहता हूँ ये बचपन में मिले। एट अ एज मैंने 25 जो भी चीज़ें जानी सीखी, और मेरा थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुआ क्योंकि विचार कंट्रोल करना वो बचपन में मुमकिन है, थॉटलेस होना बचपन में पॉसिबल है, विचार शून्य में हमें दिखाई देता है, बच्चों में स्ट्रेस, टेंशन, विचार कम होते हैं, इसलिए उनको ये मुमकिन है। और माय डिफेंस, ये चीज़ें सीखने के बाद माय डिफेंस आप मुझे 10 बार थैंक यू कहोगे, क्योंकि ये लाइफ चेंजिंग प्रोग्राम रहने वाला है। मेरा नाम है दिवांशी, मैं आज थोड़ा एक्टिवेशन सिखाने चाहती। थोड़ा एक्टिवेशन करने से हमारा माइंड बहुत स्ट्रांग होता है। थोड़ा एक्टिवेशन करने से आप आंखें बंद करके देख सकते हो। मैं आपको मेडिटेशन का वो रोज करना पड़ेगा। पापा थोड़ा एक्टिवेशन करने के बाद अपने बच्चों की मेमोरी बहुत बढ़ेगी, के बच्चे के कॉन्स्टिट्यूशन बहुत बढ़ेगा। आप एक बार पढ़ोगे याद रखोगे, इतना अच्छा है ना। आप बता, आप कितने लोग सीखना चाहेंगे? मुझे यस करो, यस। ये बहुत खुशी हो रही है। थोड़ा एक्टिवेशन आपके बच्चों को सिखाओ, मुझे प्रॉमिस करो। प्रॉमिस, मेरे पापा ने बहुत सुंदर नया कोर्स बनाया है जो आप घर बैठे सीख सकते हो। कितने लोग सीखना चाहते हैं? तो मेरे पापा का वीडियो देख लो, घर बैठे सीख। मैं भी ये सीख चुकी हूँ। आप मेरे काम का समय है, जरूर मेरे पापा का वीडियो पूरा देख लो। बाय बाय। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। बाय। और हमारा जो मिशन है कि मुझे ये चीज़ें 10 लाख बच्चों को सिखानी है, बच्चों की ज़िंदगी बदलनी है, तो इसके लिए मैं आपका
हेल्प चाहता हूँ। सच में अगर आपके बच्चों को 30 डेज में रिजल्ट नहीं मिला, आपके बच्चों की थर्ड एक्टिवेशन नहीं हुई, तो मैं रिस्क लेता हूँ, वो है मनी बैक गारंटी। अगर इस प्रोग्राम में अगर आप 30 डेज कंप्लीट करते हो और आपके बच्चों को आंखें बंद करके नहीं दिखता है, तो मनी बैक गारंटी में भी आपको देना चाहूँगा। मैं ये बताना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम करने के बाद बच्चों की ज़िंदगी इतनी चेंज हो जाती है, इतनी लाइफ बदलती है, ये मैं नहीं कहूँगा, जिन्होंने इसका अनुभव लिया है ना, उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदली है, देखी है। ये क्या है सुपर पावर? सर मैं आपको करके दिखाती हूँ। सर ये मेरा एक ब्लाइंड फोल्ड है, तो मैं इसको लगाऊंगी और मैं स्मेल करके ये बुक पढ़ने वाली हूँ। सुन करके आप किताब पढ़ेंगी? हाँ। Once upon a time, there was an explorer named John De Souza. It was called so because nobody returned alive. Oh, he's doing it. Okay. But he holds on. So, मैं पिताश्री से पूछना चाहूँगा, सर हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो कोर्स होता है जिसमें वंशी ने ये सब सीखा है, इसके बारे में हमें कुछ बताइए, कहाँ होता है ये कोर्स? ये जो अभी इसने करके दिखाया है, वैसा तो जादू लगता है, बट वो सेंसरी सब्स्टिट्यूशन है। स्मेल सेंस या टच सेंस वो हम यूज नहीं करते, तो वो विजन सेंस को रिप्लेस कर सकते हैं स्मेल सेंस से और टच सेंस से। ब्रेन एक्सरसाइजेस, मेडिटेशन, उन सबको कंबाइन करके एक कोर्स तैयार होता है, जिससे बच्चे की इंट्यूशन स्किल्स, कंसंट्रेशन, फोकस, वो सब बढ़ता है। इसका मोटो ही यही है इस प्रोग्राम का कि लाइफ टाइम गिफ्ट टू द चाइल्ड। बहुत ही अद्भुत, ये एक भेंट आपने अपनी बच्ची को दिलवा दी। तपस्या आप बताओ, ये जो वीडियो कोर्स की जर्नी थी, आपको कैसा लगा, ये एंजॉय किया आपने इस सेशंस को? ये जो वीडियो है डांस का, सब मुझे पसंद है और मेडिटेशन भी मत पसंद है मुझे। मैं दिन भर मोबाइल देखती थी ज्यादा, पर अब कम देखने लगी। मुझे जब मैं मोबाइल हाथ में लेती हूँ मुझे बोर होता है। ओके, कंसंट्रेशन लेवल भी बहुत ये हो गई है अभी, वो कंसंट्रेशन से सब पढ़ती है और लर्निंग बहुत फास्ट हो गई उसकी। मतलब पहले राइटिंग में उसको बहुत बोर लगता था, पर राइटिंग भी अच्छी करती है, फास्ट लर्निंग करती है। तो मैंने एक बुक दी थी फ्लिप करने को, और आपने बोला था सिर्फ वो इमेजेस देखती है क्या, देखो। तो मैंने सिर्फ उसको फ्लिप करने को बोला, उसने मिडब्रेन को दिखाया, और फ्लिपिंग के बाद उसने इमेजेस जैसे बुक में थे वैसे उसने सेम बताया। इट वॉज जस्ट अनबिलीवेबल कि मैं, उसके पप्पा भी दंग रह गए कि ऐसे कैसे हो सकता है। विदाउट सीइंग द बुक, विदाउट सीइंग एंड रीडिंग द बुक, हाउ शी कैन डू लाइक दिस। जब मैं भी इसको पहली बार देखा था, आई वाज वो शॉक ही है, कैसे मुमकिन है। यूट्यूब पे मैंने सर्च किया तो आपका ये मुझे मिला। पहले आंखें खोल के रीड नहीं कर पाता था, राइटिंग नहीं कर पाता, अभी आंखें बंद करके भी कर रहा हूँ। उसकी पावर, मेमोरी पावर बहुत बढ़ गई है। चलो, सर बहुत झगड़ा करता था। अच्छा, अभी खुद उसे संभाल रहे हैं। मम्मा आप काम करो, मैं इसे संभालता हूँ। वाह वेरी गुड। उसका स्वभाव भी बहुत अभी शांत हो गया। मोबाइल टीवी का क्या है मैम, मोबाइल टीवी कम हुआ है? मोबाइल टीवी पहले तो रिमोट छोड़ता ही नहीं था। अच्छा, अभी अच्छा। हमें टीवी नहीं लगाने देते। ओके, अभी मम्मी पापा को नहीं लगाने देता क्या? इतनी बड़ी रिस्क लेनी है बच्चों के लिए, हम करेंगे तो नुकसान तो नहीं होगा बच्चों का, या फिर इसके कुछ डिसएडवांटेज है क्या, या फिर हमारे पैसे वेस्ट होंगे क्या, या फिर नहीं करना चाहिए? तो ऐसे कंफ्यूज पेरेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगे, क्या सच में ये कोर्स करना चाहिए और कैसे? अरे आपको बहुत पसंद आया। हमें भी ये लगता था कुछ ब्रेन के ऊपर साइड इफेक्ट होगा क्या, फिर हमने एक ही दिन में इसका इतना बदलाव देखा कि ये इतना अच्छा कोर्स पहले हमें मिलना चाहिए था। ओके, वेरी गुड, और आपने बहुत ही ब्यूटीफुल डिसीजन लिया। हमें डॉक्टर के पास जाकर भी उसके पास इतना बदलाव नहीं आया, सभी उसके प्रॉब्लम दूर हो गए। वेरी गुड, वेरी नाइस, फिजिकली सभी चीजें सॉल्व हो गया। और ये जरूर कहूंगा, ये ताकत है मेडिटेशन की, ये ताकत है ध्यान की, और मुझे यही मेरा सपना, ये मेरा मिशन है कि मैं सभी बच्चों को जो ध्यान करने की जो प्रोसेस है, जो भी टेक्निक्स है, और वो स्टैंडर्ड हो। स्टैंडर्ड ऐसा नहीं कि आपको वैसे आंखें बंद करेगा, नहीं, वो जो पूरा जो सिस्टम है, एनर्जी, चक्रास, ये सभी प्रोसेस जो है, और प्रॉपर टेक्निक्स, वो सभी को सिखाऊं। अर्जुन देता, मुझे काफी खुशी हो रही है। हमारे स्टूडेंट है जो फॉरेन कंट्री से बिलोंगिंग करते हैं। यस, बांग्लादेश से है। सिटी नहीं, बांग्लादेश से।
और यहाँ पर एक सिटी है सवारधा का, हम वहाँ पर रहते हैं। मैम आपको मिड ब्रेन एक्टिवेशन के बारे में कैसे पता चला, कहाँ से आपने देखा इसको, कहाँ से आपने जाना? हस्बैंड मेरे को इंट्रोड्यूस किया, लेकिन इससे पहले हम लोग मेडिटेशन करते थे, बस मेडिटेशन। बोला आपका नंबर दिया, बोला ए इस इंसान को कॉन्टेक्ट करो, ये मिड ब्रेन एक्टिवेशन सिखाता है। एक करने के बाद इंसान थर्ड आई से यानी पिनियल ग्लैंड से देख सकता है। घर में कितने दिन के बाद आपकी इमोबिन को दिखाई देने लगा? विद इन वन वीक ही वुड एबल टू रिकॉग्नाइज द कलर्स, देन रिकॉग्नाइज द अल्फाबेट्स एबीसी। लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन करने के बाद, मेडिटेशन करने के बाद उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है, ब्रेन पावर बढ़ गया है, एंड ही इज नॉट लेजी लाइक बिफोर। और जो भी पढ़ता है याद रखता है, तुरंत याद रह सकता है। पहले याद नहीं रहता था, भूल जाता था। इट वुड टेक टाइम फॉर हिम फॉर द लेसन, बट नाउ इट्स इम्प्रूव, टू मच इम्प्रूवमेंट इज देयर इन हिज स्टडीज। बरोबर। अभी देखो कितने सारे पेरेंट्स, आपने ऐसे क्या क्या बदलाव देखे अभी इनके अंदर ये कोर्स करते समय? के अंदर बदलाव सबसे पहला आया कि टीवी बिल्कुल ही बंद कर दिया। वाह वाह वाह, टीवी नहीं देखता है। बदलाव आया है सर कि ये गुस्सा करते थे, यस, उसमें इनका बिल्कुल भी खत्म हो गया, सब खत्म हुआ। और तीसरी चीज इनके अंदर एक और भी बदलाव अच्छी आई है कि पढ़ने में खाली समय में नहीं रहते, पढ़ने का हमेशा कुछ ना कुछ किताब ले लेंगे, राइटिंग करेंगे और अपना लगे रहते हैं पूरे दिन, जैसे टीवी और मोबाइल छूटा तो बस ये काम में लगे रहते हैं। भारी बाप रे, यानी बच्चों को कहना पड़ता है बेटा पढ़ाई कर पढ़ाई कर पढ़ाई कर, अभी कहने की जरूरत नहीं है, वो तो जाके पढ़ रहा है। ये इस्माइल करके किताबें पढ़ लेते हैं, इसके अलावा उल्टा करके फ्लिप करके किताबें पढ़ लेते हैं, उसमें से इमेज बता सकते हैं कि हाँ ये है ये। अच्छा। और बॉटल इनको देता हूँ, पट्टी बांध देता हूँ और स्माइल करके मैं कहीं रख देता हूँ, छुपा देता हूँ, तो ढूंढ के लेके आ जाते हैं, बता देते हैं सर ये आंख बंद करके अपने बच्चों को भविष्य यदि बनाना है पेरेंट्स को, तो ये कोर्स ले करके, और बहुत मिनिमम चार्ज पैसा है, बहुत ज्यादा पैसा भी नहीं है कि मैं कहूँ बहुत ज्यादा पैसा, 5,000 रुपया कहीं भी आदमी यूज कर सकता है, खर्च कर सकता है, तो लेकर के बच्चों को कोर्स कराने की जरूरत है। सभी पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो कोर्स लें और अपने बच्चों को ये शिक्षा एजुकेशन जरूर दे। ओके सर, थैंक यू वेरी मच, और मेरे मिशन में आपने कंट्रीब्यूट किया कि लाइफ में मैंने 10 लाख बच्चों को ये चीजें सिखानी है और अभी जैसे बच्चों को बनाना है, और ये नॉलेज बचपन में ही मिले मैं ये चाहता हूँ। यूट्यूब पे आपके वीडियो देखे, हाँ हाँ, ऐसे मैं सर्च कर रहा था तो मिड ब्रेन एक्टिवेशन का कोर्स के बारे में मुझे पता चला। तीसरे दिन उसकी आंख खुल गई और वो रीडिंग करने लगा। अच्छा। मानो छोटे छोटे अल्फाबेट्स, स्मॉल लेटर्स, कैपिटल लेटर्स, आंखें बंद करके वो बता रहा था। पहली बात तो ये, जब सर ने और हमने ऑनलाइन यूट्यूब पे जो देखा ना वीडियो, मेरा बेटा जो ज्यादा चंचल है ना वो कम हो जाए, सिर्फ हमें इस रिजल्ट की अपेक्षा थी कि हाँ उसका जो खुद इंस्पायर होकर नहीं कर रहा था ना, हाँ, तो करे, ये थर्ड आई की तो उम्मीद नहीं थी सच में। अच्छा। लेकिन सर भी बोल रहे थे कि ना वो सिर्फ एक जगह पे ज्यादा देर तक बैठे, चंचलता उसकी कम हो जाए तो भी हमें रिजल्ट आएगा, समझो खुश हो जाएंगे हम। लेकिन बाद में उसका थर्ड आई जो ओपन हुआ और उसने जो हमारे सामने जो चमत्कार बोलो वो जो दिखाया ना, तब हमें पूरा यकीन हुआ कि सच में इसकी थर्ड आई ओपन हुई है और वो पढ़ रहा है सब कुछ। दो दो पट्टियां उसके आंखों पे लगाई। अच्छा। उसके नीचे कॉटन भी लगाया और फिर देखा तो फिर हमें भी मालूम पड़ा कि वो सच में देख रहा है। बरोबर। से जुड़े हैं, उन्होंने फ्रेंचाइजीज भी लिया है, यानी उन्होंने लॉकडाउन में काफी सारे बच्चों को भी ट्रेन किया है। कैसे पता चला कि मिड ब्रेन एक्टिवेशन जैसा साइंस या फिर ऐसा कोर्स होता है? वीडियो भी यूट्यूब पर देख रहा था। हाँ हाँ। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ मेरे माइंड में, ऐसा खेला ना सीखना चाहिए, लेकिन 8-10 दिन में वो आपका फेसबुक पर मैंने अर्ज देखा। यस यस यस, तुरंत मैंने आपको कांटेक्ट किया। स्टडी करा खूब कंटाळा येतो, पण जेव्हा करना ते मेडिटेशन करायला लागले तेव्हा पासून म्हणजे स्टडी मध्ये ही हे यायला लागला, उत्साह यायला लागला, तर वाटायला लागली। ओके, नंदनी बता रही गांव से जुड़े हैं, हिंदी थोड़ी आती नहीं है, मराठी में बता रहे हैं कि हमें पढ़ाई में जब करते हैं तो उत्साह आता है और पढ़ाई करते समय जो एंजॉय है वो अलग ही लेवल का है। यस ग्रेट। मेडिटेशन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट है, हम आज्ञा चक्र के ऊपर काम करते हैं, हमारा जो थर्ड आई चक्र है उसका कार्य है मेमोरी। नहीं, कैसे क्या सोच के डिसीजन लिया था करना है? मैंने पहले भी ये खेड़ में देखा था, मतलब रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट में, कि बच्चे ऐसे करते हैं उनका थर्ड आई एक्टिवेट हो जाता है
और उसके बाद वो जो है वो देख सकते हैं, फील कर सकते हैं, उनके जो सेंसरी ऑर्गन्स है वो डेवलप हो जाते हैं, इसीलिए मैंने उसको एनरोल किया एंड आई एम सीइंग वेरी गुड रिजल्ट्स। ऐसे कुछ चेंज आपने क्या देखा है वेदांत? मैंने देखा है कि वो जल्दी उठता है और मेडिटेशन करता है, सुबह उठ के नहाने के बाद झट से मेडिटेशन के लिए बैठता है और थोड़ा सा मुझे लगता है शांत हो गया है, और मोबाइल मतलब वो जो ज्यादा यूज करता था वो थोड़ा कम यूज करता है, कम कर रहा है। तो डेली मोबाइल पे से लगे रहते थे या मैं सुबह जाके शाम में आता था, जब तक देखे तो दोनों बेटी बेटा दोनों भी मोबाइल में खेलते थे। ओके नाइस। अब पूरा मोबाइल तो पूरा बंद हो गया थोड़े दिन के लिए। ग्रेट, नाइस। हाँ, उसके लिए मैं बहुत खुश हूँ सर। हमने वाटर में स्कूल टीचर्स ट्यूशन सब तो हैप्पी है सर, चेंज हो गया ऋतिक, चेंज हो गया, पढ़ने के लिए कुछ प्रॉब्लम नहीं कर रहा सर, nice. लिखने दो कंप्लीट लिखकर बता रहा सर, विद इन हाफ एन आवर में बता रहा कटे। वेरी गुड, वेरी गुड। हमारी फैमिली को गिफ्ट है, वो तो फैमिली के लिए गिफ्ट है, फैमिली को गिफ्ट है। तो हमारे दोनों बच्चे एक्टिव हो गए, टेंशन नहीं है सर, अब फोन से भी पढ़ने दो, मैं तो अब हैप्पी हूँ सर। वेरी गुड। इसमें अपने हिंदुस्तान का कोई भी बच्चा इसमें ज्वाइन करके अगर ये शिक्षा ले रही है ना, तो हाईली एक स्टार बन गया समझो सर, कंपलसरी सर, इसमें डाउट नहीं है, डाउट नहीं है। दूसरे लोग को लेना चाहते बोले तो भी डाउट नहीं है सर, इसको एक क्लियर है हमारा फैमिली को, तो आप तो भगवान मिले समझो सर। ओके, तो यही मैं चाहता हूँ कि ये नॉलेज सभी बच्चों के पास जाए, और मेरा मिशन भी है सर 10 लाख बच्चों को मुझे ये चीजें सिखानी है, क्योंकि कोई नई चीज होती है हम उसको चीजों को ऐसे सोच के कि नहीं ये झूठ है बकवास है और ऐसे ही छोड़ देंगे तो हम पीछे रहेंगे, आगे नहीं जाएंगे ना। नहीं, 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 नहीं। अगर आपने भी डाउट लिया होता क्या पता ये सच या झूठ है, सर के कोर्स हो अगर उस दिन हम पीछे एक कदम पीछे डाले तो अपने लिए पूरा लास्ट बनता था सर, मेरे के लिए तो लास्ट होता था। वो आगे बढ़कर मेरा बेटा क्या तो बने ना बने, एक कोर्स लेने के बाद हम तो बहुत पूरा एंटायर फैमिली बहुत खुश है सर। ऋतिक ये बताओ सेशंस कैसे लगे, वीडियो हाउ वाज द वीडियो सेशन, कैसा लगा आपको यानी वीडियो कोर्स कैसा था पूरा? 30 डेज का अच्छा लगा, मजा आया आपको पूरा? अच्छा, यानी जब मैंने पहला वीडियो शूट किया था सर, मैं खुद के बारे में बताऊं, ये मैंने बनाया ना, यानी वीडियो एडिटिंग पूरा वो सभी जो बोलना क्या है वीडियोस में वो मैंने बना, मैंने मेरा पहला वीडियो देखा था D1 का देखा था, मैं जब वीडियो देखा मैंने खुद कहा वाओ क्या योगेश बनाया तूने, यानी इतना खूबसूरत वो मुझे लगा था, यानी मैं एक चीज सुनी थी स्टीव जॉब के बारे में कि स्टीव जॉब यानी वो एप्पल मोबाइल के फाउंडर है सर, ओके, उनका बिजनेस है एप्पल का, वो कहते थे कि हर चीज हम बिजनेस में आते हैं या बिजनेस करते हैं कुछ भी बनाते हैं ना, वो पहले हमें अच्छा लगना चाहिए, हमें बहुत अच्छा लगना चाहिए, वो वाव का मोमेंट हमें पहले आना चाहिए, और वो जब अभी भी मैं वीडियो मेरे देखता हूँ ना 30 डेज के, मैं देखता हूँ कि ये क्या बनाया है, तो कितना जबरदस्त बन गया है। ओके, वो बनने के पीछे भी कुछ तो भी एनर्जी का काम था वो जो मुझे, और काफी हमने मेहनत भी लिया था, रात को मैं 2-2, 2:30 बजे एडिटिंग वगैरह एक सभी चीजें करता था, तो वो सभी मेहनत आज मुझे दिख रही है या फिर इतने सारे स्टूडेंट आज जुड़ गए हैं, तो बहुत ही सुंदर सा ये वीडियो कोर्स है और बच्चों को हर एक बच्चों को अच्छा लगेगा, पेरेंट्स को अच्छा लगेगा, मुझे पूरा विश्वास है, इसलिए हमने मनी बैक गारंटी दिया था सर, आपको याद होगा हमने ये प्रोग्राम को मनी बैक गारंटी दिया है। हमारा हिंदुस्तान का हर एक बच्चे बच्चे को ये डालना चाहिए, यस यस यस, बोले तो अपना इंडिया बिल्कुल एक साल दो साल में बहुत इम्प्रूव होगा सर, बहुत इम्प्रूव, हर एक बच्चे को डालना चाहिए सर, यस यस यस, हर एक बच्चे को डालना चाहिए, डालने के बाद कुछ हम लोग कुछ खाए तो उसका स्वाद पता चलेगा, यस यस, तब तक नहीं पता चलेगा, ऊपर नहीं पता चलेगा, करना करने के बाद वो लोग आपको रिटर्न बहुत हैप्पी से थैंक यू बोलना चाहूंगा, यस 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 डेफिनेटली, यही मैं चाहता हूँ कि इसे बेनिफिट मिले, हैप्पी बने बच्चों की लाइफ और एक बड़े लेवल पे हो जाए। कोई कर सकता है तो मैं क्यों नहीं, क्या है उनमें ऐसा जो मुझ में नहीं, झांक ले अपने भीतर खुद से आ पूछ ले, कैसी चाहे जिंदगी खुली आंखों से देख ले, मुट्ठियां भीग गए
सा सा खींच गए मुट्ठियां का खींच गए सा सा खींच गए सबसे टकराने को शिखर पर जाने को मैं